जय हिंद दोस्तों, मैं रमनदीप आप सभी का यूपीएससी हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो हमारा डिस्कशन है वो मेंस एग्जामिनेशन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2023 में मेंस दे रहे हो या आप 2024 में मेंस दे रहे हो, आप सभी के लिए आज का डिस्कशन बेहद इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जिनसे एग्जाम में प्रश्न बन सकता है उसका यहां पर डिस्कशन करने वाला हूं। ठीक है, मैं 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, आप लोग एक बार उसको देख भी लीजिएगा और इसका यूज कैसे करना है, इसका एप्लीकेशन कैसे करना है, यही आज के हमारे इस पूरे डिस्कशन का मेन उद्देश्य रहेगा। ठीक है, एक बात बहुत अच्छी तरीके से आप लोग समझ लीजिए, अगर आप लोग यूपीएससी और यूपीपीसीएस की तैयारी करते हो या फिर मैं अगर सिंपल अर्थ में कहूं तो अगर आप किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी करते हो जहां पर मेंस इन्वॉल्व रहता है तो आपके पूरे प्रिपरेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है वो मेंस एग्जामिनेशन ही होता है, क्योंकि मेंस एग्जाम आपको आपके रिजल्ट में अच्छे नंबर पर लेकर के जाता है, अच्छी रैंक पर लेकर के जाता है। तो मेंस एग्जाम पर आप लोगों को लगातार ध्यान देने की आवश्यकता है। आप में से बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो कि आंसर राइटिंग से बहुत डरते हैं, बहुत सारे तो ऐसे भी एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने 2023 का प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है और अब जब उनको मेंस लिखना पड़ रहा है तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम स्टार्ट कहां से करें। उन सभी दोस्तों के लिए जो कि मेंस आंसर राइटिंग से डरते हैं और कर नहीं पाते रेगुलर बेसिस पर, उन सभी के लिए आज का डिस्कशन बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आज हम लोग आंसर राइटिंग के 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ साथ कुछ प्रमुख ट्रिक्स भी देखेंगे कि कैसे आप लोगों को अपने आंसर राइटिंग करनी चाहिए। देखिए, मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं कि आप जब एग्जाम देने जा रहे हो तो एग्जाम देने जाने से पहले आपके पास कुछ रेडीमेड स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है, रेडीमेड उत्तर होना चाहिए ताकि उसका प्रयोग आप लोग अपने आंसर राइटिंग में कर सको। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को एग्जाम हॉल में 3 घंटे में 20 प्रश्न लिखने रहते हैं चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे होगे तो, और ये सिर्फ एक दिन में 3 घंटे नहीं होते हैं, 1-3 घंटा सुबह वाले पीरियड में होता है और उसके बाद 3 घंटा आप लोगों को शाम को भी एक पेपर लिखना रहता है, तो एक दिन में आप लोगों को 6 घंटे की आंसर राइटिंग प्रॉपर यहां पर करनी रहती है। 6 घंटे में 40 क्वेश्चन लिख पाना बहुत इजी नहीं है, बल्कि बहुत टफ माना जाता है। आप में से जिन भी एस्पिरेंट्स ने ये प्रैक्टिस करने का सोचा होगा उनको इसकी टफनेस का आइडिया लग चुका होगा। तो इस एग्जाम को कैसे क्रैक किया जाए, इसका जो सबसे सिंपल सॉल्यूशन हमारे सामने दोस्तों है, सबसे सिंपल सॉल्यूशन है, अगर आप 2024 की भी तैयारी कर रहे हो या फिर 2023 की तैयारी कर रहे हो, आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा। काम यह कि आप लोगों को डेली आंसर राइटिंग पर फोकस करना पड़ेगा। अगर आप 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप कम से कम डेली 10 क्वेश्चन के आंसर राइटिंग पर फोकस करो, और अगर आप 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर 2025-2026 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको डेली कम से कम 2 क्वेश्चन यहां पर लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप डेली 2 क्वेश्चन के आंसर राइटिंग स्टार्ट करते हो, ठीक है, और मैं मान के चलता हूं कि महीने में आप 6 दिन छुट्टी ले रहे हो और केवल 24 दिन की आंसर राइटिंग कर रहे हो तो भी आपके पास एक महीने में करीब करीब 50 टॉपिक यहां पर आप लोगों के सामने रहते हैं, और इस प्रकार से लगातार आने वाले 10 महीने भी आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आपके पास 500 टॉपिक ऐसे होंगे जिन पर आपने आंसर राइटिंग की होगी, और ये 500 टॉपिक आपके सिलेबस के हर एक पॉइंट को टच करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसलिए मेरा सजेशन है दोस्तों कि अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अपने पूरे सिलेबस में, अपने पूरे दिनचर्या में आप डेली आंसर राइटिंग को शामिल जरूर करो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले टॉपिक से। ठीक है, देखिए 2-3 बातें समझिएगा, जो हम लोग यहां पर आंसर राइटिंग करने जा रहे हैं, जो हम टॉपिक यहां पर देखने जा रहे हैं वो टॉपिक है किस चीज के, वो टॉपिक है हमारा एक सीजन बैच चलता है। ठीक है, डेली आंसर राइटिंग का बैच चलता है, उसी बैच के अंतर्गत यहां पर हम लोग क्या करते हैं, महीने में 24 डेज डेली 2 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग कराते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि डेली आंसर राइटिंग करो, अब बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जिनके पास न तो कंटेंट होता है, न तो उनके पास स्ट्रक्चर होता है, न तो उनकी कॉपी चेक करने वाला, कॉपी मूल्यांकन करने वाला कोई व्यक्ति होता है। ठीक है, संदीप भैया हर व्यक्ति के पास नहीं होते हैं, तो वैसे कंडीशंस में हम लोग यहां पर क्या करते हैं कि हम लोग एक डेली आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन प्रोग्राम चलाते हैं जहां पर आप महीने में 24 दिन की आंसर राइटिंग करते हो, आपको मॉडल आंसर दिया जाता है, ठीक है, आपकी कॉपी इवैल्यूएट की जाती है और प्रॉपर वहां पर जो भी टॉपिक रहते हैं उनको हम लोग डिस्कस करते चलते हैं। तो ये हमारा सीजन बैच है, जो नेक्स्ट बैच होगा वो आप लोग 18 जुलाई से स्टार्ट हो रहा होगा। एक इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या एस्पिरेंट के सामने और आती है, वो समस्या ये होती है कि भाई डेली आंसर राइटिंग को मैंने तो कह दिया कि हाँ भाई कर लो, ठीक है, किसी टॉपर ने कह दिया कि डेली आंसर राइटिंग करना चाहिए, उससे बहुत इंप्रूवमेंट होता है, लेकिन समस्या ये है कि व्यक्ति के अंतर्गत सेल्फ डिसिप्लिन, तो अनुशासन जो होता है वो इस प्रकार से नहीं होता कि वो डेली प्रैक्टिस कर पाए। हम एक दिन आंसर राइटिंग करने बैठते हैं और पहले दिन हमको एक आंसर लिखने में 1 घंटे का समय लगता है। हम सोचते हैं भाई इससे अच्छा हम 10 पेज करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे, प्रिलिम्स हमारा क्लियर हो जाएगा। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि प्रिलिम्स आपका क्लियर भी हो जाए, क्योंकि पहली बात तो प्रिलिम्स बहुत अनसर्टेन है, ठीक है, और अगर प्रिलिम्स आपका क्लियर हो रहा है तो इस बात की बिल्कुल गारंटी नहीं है कि अगले साल भी प्रिलिम्स निकलेगा। इसलिए अपनी प्रिपरेशन इसके अकॉर्डिंग आप लोग रखो कि अगर आपका प्रीलिम्स निकल रहा है तो आप मेंस में एकदम झंडे गाड़ करके आप लोगों को आना और मेंस में इस प्रकार से परफॉर्मेंस देनी है कि रिजल्ट में आप लोगों का नाम आए।
इसलिए मेरा आप लोगों को सजेशन है कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आज से ही स्टार्ट करो। प्रीलिम्स का वेट बिल्कुल मत करो, प्रीलिम्स में जब सिलेक्शन होगा तब होगा, और मेंस तो आप लोगों को लिखना ही पड़ेगा। एक सिंपल सी मतलब एक कहते हैं ना कि एक ऐसा सच्चाई है जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो आप लोगों को मेंस तो लिखना ही पड़ेगा। ये सिंपल सच्चाई है, इसको आप लोग एक्सेप्ट करिए। और उसका सबसे सिंपल तरीका यहां पर है कि आप लोग सीजन के साथ जुड़ करके आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हो। बाइलिंगुअल यहां पर पूरा प्रोग्राम चलता है, ठीक है। आप लोग चाहो तो इस नंबर पर मैसेज करके, व्हाट्सएप मैसेज करके या फिर कॉल करके अपनी इन्फॉर्मेशन यहां पर ले सकते हो, ठीक है। चलिए अब देखो भाई, सबसे पहला जो पॉइंट यहां पर हम लोग का है, ठीक है, डे वन है। तो इस पूरे टॉपिक का यूज कैसे करना है यहां पर आप ध्यान दोगे तो डे वन में दो टॉपिक आप लोगों का दिया गया है। एक है भूटान आंदोलन, ठीक है, भूटान मूवमेंट की यहां पर बात कर रहा है, और सेकंड कह रहा है चेंजेस इन द एज ऑफ द मैरिज, ठीक है, विवाह की आयु में जो परिवर्तन है उसकी बात यहां पर की गई है। अब प्रश्न यहां पर यह उठता है कि यहां पर आपके सामने दो टॉपिक दे तो दिया गया, इन दो टॉपिक का यूज कैसे करना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए करना क्या रहता है आप लोगों को, यहां पर ये पूरा सिलेबस आप लोगों को एक साथ दे दिया गया, पूरा शेड्यूल आप लोगों को यहां पर एक साथ दे दिया गया। अब आप लोगों को यहां पर करना ये है कि जब भी आप लोगों का डे वन आंसर राइटिंग आप लोग स्टार्ट कर रहे होगे, ठीक है, आपको इस बात का बिल्कुल एकदम क्लियर के साथ आपको पता है कि जो आप लोगों के प्रश्न दिए जाएंगे एग्जाम आप लोगों के आंसर राइटिंग करने के लिए सीजन बैच के अंतर्गत, वो प्रश्न भूदान मूवमेंट या फिर चेंजेस इन द एज ऑफ मैरिज से यहां पर दिए जाएंगे, ठीक है। आपको टॉपिक पहले से पता है, आपको प्रश्न पहले से पता नहीं है, तो आपको अब काम यहां पर ये करना है, आपको एक घंटे का समय देते हुए, ठीक है, एक घंटा, मैं आप लोगों को एक घंटा बहुत बता रहा हूं, ठीक है, आधा आधा घंटा दोनों टॉपिक पर मैं आप लोगों को कह रहा हूं, हालांकि ये कम करके आप लोग 15-15 मिनट यहां पर कर सकते हो, ठीक है, 15-15 मिनट आप लोगों को दोनों टॉपिक पर एक रीडिंग करनी है। अब रीडिंग करने के सोर्स बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो चेंजेस इन द एज ऑफ मैरिज, विवाह की आयु में जो परिवर्तन है, इस पर क्या क्या सोर्स हो सकता है। तो सबसे पहला सोर्स यहां पर ये हो सकता है कि भारत में शादी करने की जो आयु है वो क्या क्या रहा है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है, कैसे हमने अब भारत में शादी की आयु तय करना स्टार्ट किया, ब्रिटिश एरा से स्टार्ट होता है, कैसे कैसे आयु 12 साल 14 साल 16 साल 18 साल पर हम यहां पर पहुंचते हैं लड़कियों की शादी के लिए, उसकी बात यहां पर की जा रही है। तो एक तो आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखने के लिए आप लोग दो काम कर सकते हो, या तो अगर आपने कभी हिस्ट्री पढ़ा होगा, क्योंकि आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करो तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने हिस्ट्री तो बेसिक तौर पर पढ़ा ही होगा, तो जहां पर भी पढ़ा होगा वहां पर आपने वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा होगा, या अगर आप चाहो तो उसको रिवाइज कर सकते हो, नहीं आपके सामने मॉडर्न स्पेक्ट्रम की बुक होगी, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री वाले स्पेक्ट्रम की जो बुक होगी वहां पर भी चीजें दी गई है, वहां से भी आप लोग चाहो तो देख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट जो सोर्स है हमारे सामने वो है करंट अफेयर्स, विवाह की आयु में अगर परिवर्तन, इस टॉपिक को अगर यहां पर हम लोग लेते हैं तो एक बार आप लोग समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है, कि ये टॉपिक न्यूज में क्यों रहा, ये टॉपिक आपके सामने यहां पर दिया क्यों गया है। सबसे पहला प्रश्न तो आपके सामने यहां पर ये आना चाहिए, ठीक है। तो एक तो पहले आप यहां पर ये देखो कि न्यूज में क्यों है, ठीक है, अभी हम उस पर डिस्कस करेंगे क्यों न्यूज में रहा है, कौन सी कमेटी बनाई गई थी, किस किस कमेटी ने नीति आयोग को यहां पर एक सिफारिश किया है, किस संदर्भ में आप कुछ एक्शन लीजिए, फिर गवर्नमेंट किस प्रकार से लोकसभा में के अंतर्गत एक यहां पर विधेयक लेकर के आई हुई है, तो ये पूरी बातें हम लोग वहां पर देखेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक बात और सोचिए, ये जो दोनों टॉपिक आप लोगों को दिए गए हैं, ये टॉपिक आपके सिलेबस में से, ठीक है, जो आपका मेंस का सिलेबस है, चाहे यूपीएससी का सिलेबस हो चाहे यूपीपीसीएस का सिलेबस हो, इस सिलेबस में से कहां से उठा करके दिए गए हैं, ठीक है। विवाह की आयु में परिवर्तन जो है, अगर आप इस टॉपिक को ध्यान से देखोगे तो आपके सिलेबस में, ठीक है, आप लोगों का जनरल स्टडी का पेपर नंबर वन होता है, जहां पर आप लोग ध्यान दोगे तो समाज या सोसाइटी, ये टॉपिक आप लोगों को यहां पर एक सिलेबस के अंतर्गत दिया गया है, ठीक है। इतिहास, समाज और ज्योग्राफी, ये तीन टॉपिक आप लोगों के पेपर वन के अंतर्गत शामिल है। वहां पर एक समाज सोसाइटी आप लोगों का टॉपिक शामिल है। अब इस समाज में अगर आप लोग देखोगे दोस्तों, ठीक है, मैं आप लोगों को अगर सिलेबस यहां पर मेरे पास होगा तो मैं आप लोगों को दिखाता भी हूं, ठीक है, ये देखिए, ये आप लोगों का सिलेबस है, ठीक है, यूपीएससी का सिलेबस मेरे सामने ओपन है। और अगर आप यहां पर ध्यान दे रहे हो, ठीक है, अच्छा, यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों का जो पेपर वन से लेकर के पेपर फोर तक का सिलेबस है बिल्कुल सेम है, तो बिल्कुल परेशान मत होना, ध्यान से देखना, ठीक है। सिलेबस के अंतर्गत टॉपिक जो दिया गया पेपर वन में वो है भारतीय विरासत और संस्कृति, इंडियन हेरिटेज एंड द कल्चर, ठीक है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। ये समाज जो टॉपिक है आप लोगों का, ये पेपर वन के अंतर्गत एक टॉपिक की मेन हेडिंग है, ये तो मेन हेडिंग था। प्रश्न है विवाह की आयु में परिवर्तन, ठीक है, और आपने अगर करंट अफेयर्स पढ़ा होगा तो ये प्रश्न विवाह की आयु में परिवर्तन जो है वो महिलाओं के संदर्भ में करंट अफेयर्स में न्यूज में रहा है, ठीक है। अब देखो भाई, अगर आप यहां पर सिलेबस देखते हो तो सिलेबस का जो पॉइंट नंबर 7 है, ध्यान से देखो, सिलेबस का पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है, कह रहा है कि महिलाओं की भूमिका, ठीक है, और महिला संगठन, रोल ऑफ द वुमेन एंड द वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, इसकी बात यहां पर कह रहा है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, मतलब कि रोल ऑफ वुमेन एंड इनकी जो एसोसिएटेड इश्यूज है उसकी बात भी यहां पर की जा रही है,
है। तो ये टॉपिक आप लोगों का महिलाओं के संदर्भ में सिलेबस के पॉइंट नंबर 7 में दिया गया है। ठीक है, अब यहां पर जो प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, ठीक है, वो प्रश्न इसी के संदर्भ में दिया गया है। तो सबसे पहला काम आप लोगों को जो करना है, करना ये कि सिलेबस में वो पॉइंट कहां पर से लिया गया है ये आप लोगों को देखना पड़ेगा। भूदान मूवमेंट, आपको पता होगा कि भारत में भूदान मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था और हिस्ट्री में उसकी क्या रोल रहा है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत आप लोगों का भूदान मूवमेंट वहां पर शामिल होता है। विनोबा भावे जी की भूमिका, महात्मा गांधी जी की जो फिलोसफी यहां पर आपको संदर्भित होती है, वो सारी बातें आपने वहां पर हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ा होगा। तो ये दोनों सिलेबस के किस पॉइंट से, एक पॉइंट आप लोगों को पर ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए फिर से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहां पर। अब अगर न्यूज़ की बात करें तो ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों रहा, जो 15 मिनट के आप लोगों को रिसर्च करना है ना टॉपिक संदर्भ में, वो रिसर्च यही रहेगा। सबसे पहला स्टेप ये है कि सिलेबस में ढूंढो कि सिलेबस में पॉइंट कहां पर है। सेकंड पॉइंट, अगर वो टॉपिक किसी भी कारण से अगर करंट अफेयर्स में रहा है, किसी भी कारण से न्यूज में रहा है, तो उस न्यूज को फाइंड आउट करो। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो अभी रिसेंट में लोकसभा के अंतर्गत एक विधेयक प्रस्तुत किया गया 2021 के अंतर्गत। ठीक है, और विधेयक क्या है, विधेयक की बाल विवाह चाइल्ड मैरिज को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए एक अधिनियम यहां पर, एक विधेयक यहां पर प्रस्तुत अभी किया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लोकसभा में जो विधेयक रखा गया, इस विधेयक के अंतर्गत ये बात कहा गया है कि लड़कियों की जो शादी की उम्र, जो कि 18 वर्ष है, और लड़कों की शादी की उम्र क्या है, 21 वर्ष है। ठीक है, तो लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ा करके 21 वर्ष किया जाए ताकि जेंडर न्यूट्रलिटी आए, एक नया टर्म हो रहा है कि लैंगिक समानता एग्जिस्ट करे। ठीक है भाई, लड़कियों की शादी की उम्र 18 है, लड़कों की शादी की उम्र 21 है, ये कारण क्यों, ये डिफरेंस क्यों है, ये डिफरेंस हम लोग क्या करना चाहते हैं, बराबर करना चाहते हैं। तो इसलिए जेंडर न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए एक नीति आयोग को सिफारिश प्रस्तुत की गई थी कमेटी के द्वारा, और जो कमेटी था उसका नाम था जया जेटली कमेटी। ठीक है, जया जेटली जी जो है इनके नेतृत्व में, इनके चेयरपर्सनशिप में एक कमेटी का निर्माण किया गया था, एक कार्यबल का निर्माण किया गया था। उस कार्यबल ने नीति आयोग को सिफारिश किया और सिफारिश में बताया कि जो लड़कियों की शादी की उम्र है उसको पुरुषों के, उसके मेल के बराबर यहां पर किया जाए, ये टॉपिक है। ठीक है, ये न्यूज का कारण है, ध्यान दीजिएगा, न्यूज में ये टॉपिक सिर्फ इस कारण थे, तो ये बता आप लोगों को यहां पर फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब आपके सामने प्रश्न नहीं है, लेकिन मानो प्रश्न अगर ये आता है, प्रश्न क्या क्या बन सकता है, प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में लड़कियों की शादी की उम्र में परिवर्तन करने को लेकर चर्चा एक छिड़ी हुई है, आपका इस संदर्भ में क्या मत है, ये प्रश्न पूछ सकता है। प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि भाई विवाह की आयु में परिवर्तन से आप, परिवर्तन कितना सही है कितना गलत है, या फिर प्रश्न इस प्रकार से पूछ सकता है कि चेंजेस इन द एज ऑफ द मैरिज हाउ इट विल अफेक्ट द वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, महिला सशक्तिकरण को ये किस प्रकार से प्रभावित करेगा। तो प्रश्नों का प्रकार किसी भी प्रकार से हो, लेकिन अगर आप इंट्रोडक्शन में चीजों को लिख रहे हो तो इंट्रोडक्शन में आप लोग वहां पर क्या कर सकते हो, करंट अफेयर्स की चीजों को लिंक कर सकते हो। और करंट अफेयर्स यहाँ पर आप लोगों के सामने क्या है, तो बहुत सिंपल और तो बता सकते हो कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक कार्यबल का गठन किया गया था। वो कार्यबल की अध्यक्षता जय जेटली जी द्वारा की जा रही थी, और उस कमेटी ने नीति आयोग को सिफारिश की, और सिफारिश के अंतर्गत ये बात कहा है कि लड़कियों की शादी की उम्र को लड़कों के बराबर किया जाए, जहां पर जेंडर न्यूट्रलिटी सिद्ध हो सके। ठीक है, या फिर आप चाहो तो सीधे यहां से शिफ्ट कर सकते हो कि हाल ही में लोकसभा में लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के संदर्भ में, ठीक है, 2021 में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था, इसी कारण से चर्चा लगातार छिड़ी हुई या फिर बहस चल रहा है। तो आपका इंट्रोडक्शन यहां पर करंट अफेयर्स रिलेट होकर के तैयार हो चुका है, और साथ में आपका क्या हुआ, साथ में आपका एक करंट अफेयर्स का टॉपिक भी तैयार हुआ है, जो कि पेपर नंबर 1 के सोसाइटी के सेक्शन से यहां पर लिया गया है। तो इस प्रकार से इस पूरे टॉपिक को यूज करना है। अब जब आपको डे 1 के दिन, ध्यान दीजिएगा, डे 1 के दिन जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आपको पहले से पता नहीं था, आपने टॉपिक रीड कर लिया अपने अकॉर्डिंग, और जब आपके सामने क्वेश्चन दिया जाएगा तो उस क्वेश्चन को आपने जो चीजें 15 मिनट में रीड किया था, ठीक है, हो सकता है 24 घंटा पहले रीड किया हो, ठीक है, तो उस 24 घंटा पहले रीड किए गए टॉपिक से अब आपको यहां पर आंसर लिखना है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स एक ऐसी गलती करते हैं जिसको समझ ही नहीं पाता कि गलती कहाँ पर, गलती क्या करते हैं बोलो, क्वेश्चन उनके सामने आता है, वो क्या करते हैं, सीधे इस क्वेश्चन को करते हैं गूगल। और भाई मैं गारंटी ले रहा हूँ ना, तुम दुनिया के किसी भी प्रश्न को गूगल कर लो, वो प्रश्न कहीं ना कहीं पर गूगल पर मिल ही जाता है, ठीक है। और फिर जब गूगल पर मिल जाएगा चीज़, तो क्या करेंगे, सेम चीज को गूगल की साइट यहाँ पर ओपन किया अपने लैपटॉप में या फिर अपने मोबाइल में, और सेम चीज़ को क्या किया, राइट डाउन करना स्टार्ट कर दिया। भाई आपको सुलेखन नहीं करना है, आपको देख देख करके चीजों को गुड हैंडराइटिंग नहीं करनी है, आपको अपने कंटेंट का प्रयोग करना है, आपको अपने नॉलेज का प्रयोग करना है, किस प्रकार से आप अपने आंसर को यहाँ पर लिख पाते हो। गूगल खोल के अगर आप कॉपी करो तो मैं आपको एक बात गारंटी दे रहा हूं, आप जीवन में कभी भी आंसर राइटिंग नहीं सीख पाओगे।
हाँ आप मेरा तरीका फॉलो करिए। मेरा तरीका क्या है भाई, आप 15 मिनट की रीडिंग कर लो, फिर प्रश्न देखो, और उसके बाद उस जो आपने रीडिंग किया था उसको बंद कर दो। अगर आपने गूगल से रीडिंग किया था बंद कर दो उसको। अब आपके पास जितना भी चीजें हैं उसको बस लिखो। हो सकता हो कि पहला आंसर राइटिंग करने में आपको 1 घंटे का समय लगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आपको ये आंसर राइटिंग करनी ही पड़ेगी। और ये 1 घंटा धीरे धीरे क्या होगा, कम होकर के आपके 7 मिनट और जो 11 मिनट का क्राइटेरिया होता है उसमें शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, 7 और 11 मिनट का क्राइटेरिया क्या है भाई, 7 मिनट का क्राइटेरिया ये कि आपके पेपर में, ठीक है, 10 10 प्रश्नों के 2 सेट होते हैं। ठीक है, 10 प्रश्न जो स्टार्टिंग वाले होते हैं वो शॉर्ट आंसर वाले होते हैं, और जो लास्ट के 10 प्रश्न होते हैं वो लॉन्ग आंसर वाले प्रश्न आप लोगों के सामने दिए जाते हैं। जो शॉर्ट आंसर वाले प्रश्न होते हैं उसके लिए आपके सामने मान लीजिए 7 मिनट का समय है, और जो लंबे वाले प्रश्न होते हैं उसके लिए मान लीजिए आप लोगों के सामने 11 मिनट का समय है। ठीक है, तो 11 गुणे 10 आपका यहाँ पर 110 मिनट हो चुका है, और 7 गुणे 10 यहाँ पर आप लोगों का 70 मिनट हो चुका है। तो 110 और 70 जोड़ लोगे तो 180 मिनट यहाँ पर एग्जैक्टली आप लोगों का होता है, जो कि 3 घंटे के बराबर होता है। ठीक है, ये होती है आप लोगों की आंसर राइटिंग की स्पीड। अगर आप इस प्रकार से मेंटेन कर पाओगे तब जाकर के आप आंसर राइटिंग एग्जाम में बहुत अच्छे प्रकार से कर पाओगे। और ध्यान दें, यहाँ पर एक बात और देना, मैंने आपको एग्जैक्टली 1 1 सेकंड यहाँ पर काउंट किया है। संभव है कि एग्जाम हॉल में ऐसा हो सके कि आप इन रिलेटर से आपकी कॉपी चेक होने में समय लग जाए, आप अटेंडेंस शीट पर अपना मार्क का समय आपका समय चला जाए, वहां पर भी तो समय जा रहा होगा। तो आपको समय को यहीं पर मैनेज करना है। लेकिन हाँ, आप इस लेवल पर तब आओगे जब रेगुलर डेली आंसर राइटिंग करना स्टार्ट करोगे। मेरा तरीका समझ में आया कि इस प्रकार से आप लोगों को आंसर राइटिंग करनी है। जब आप लोगों को आंसर राइटिंग कर लोगे, इसको अपने आंसर को ग्रुप में सबमिट करिएगा, और आपकी कॉपी वहां पर इवेल्यूएट होकर के 2 से 3 दिन में आप लोगों को मिलती है, मॉडल आंसर उसके बाद मिलता है, तो आप लोग प्रॉपर अपना एनालिसिस कर सकते हो कि कहां पर क्या समस्याएं आ रही है। अब जैसे मानो इस पर मैं आप लोग थोड़ा सा और टॉपिक डिस्कस करूं, जैसे मानो यही टॉपिक था, ठीक है, कि विवाह की आयु में परिवर्तन। मानिए प्रश्न ये पूछ रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा ट्रिक डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए आंसर राइटिंग के बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, ठीक है, जिनको मैं कहता हूँ रेडीमेड स्ट्रक्चर। जैसे कई बार क्या होता है ना, होली होली का त्यौहार होता है, तो पहले तो क्या था भाई, पहले हर घर में गुजिया और तमाम तरह के पकवान बनते थे। ठीक है, अब वो पकवान बनने का कल्चर थोड़ा सा कम हो चुका है, कम होने के बहुत सारे कारण है, ठीक है, हम लोग कभी और डिस्कस किया जाएगा। लेकिन अब हमने क्या किया, हमने रेडीमेड चीजों को लेकर के अपने घर में रखना स्टार्ट किया कि ठीक है। अच्छा, रेडीमेड का मतलब ये नहीं है कि हम पहले से समोसा छान करके रखे हुए, नहीं, हमने कुछ उसका स्ट्रक्चर लेकर के अपने पास रखा, ठीक है, और जब घर पर कोई व्यक्ति आया हम गए किचन में, 1 मिनट का समय लगा हमको, उसको हमने जल्दी से छाना और लेकर के यहाँ पर सामने रख दिया। ये क्या है, ये था कि हमारे पास एक रेडीमेड स्ट्रक्चर पहले से था, और जब हमारे पास गेस्ट आता है हम उसको ले आकर के वहां पर रख देते हैं। आपको भी सेम काम करना है, आपको एग्जाम हॉल में प्रवेश करने से पहले आपके सामने कई सारे स्ट्रक्चर्ड आंसर होने चाहिए। जैसा कि मानो प्रश्न पूछा कि विवाह की आयु में परिवर्तन से समाज पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, मानो प्रभाव पड़ेगा ये प्रश्न पूछा गया, ठीक है, या फिर अगर मैं कहूँ तो क्या क्या चैलेंजेस उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, मैं वो बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे प्रश्न मानो बन सकता है। अब अगर ये प्रश्न बन रहा है तो प्रभाव में मैंने आप लोगों से बहुत सिंपल सी बात बोली है, दो चीजें देखो, कभी भी प्रभाव पूछे तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डायमेंशन पर आप लोगों को चीजें डिस्कस करनी है। ठीक है, अब यहां पर चाहो तो आप लोग एक काम और कर सकते हो, ठीक है, एक इकोनॉमिक्स का एक मेथड होता है, हमने कई बार डिस्कस भी किया हुआ इससे पहले भी, जिसको हम कहते हैं पेस्टल अप्रोच। ठीक है, अब कहोगे सर ये पेस्टल अप्रोच क्या है और आप इकोनॉमिक्स के ऊपर आने लगे, ध्यान दो भाई, देखो पेस्टल अप्रोच क्या होती है ना, ये चीजों को स्ट्रक्चर करने में बहुत भूमिका निभाती है। जैसे कि मानो प्रश्न पूछा कि भारत में चाइल्ड मैरिज के क्या कारण है, अब मैं कारण बता रहा हूं, ध्यान समझिएगा, और उसमें मैं पेस्टल अप्रोच का प्रयोग कर रहा हूं। जैसे कि पहला कारण है पॉलिटिकल, मैंने ऐसे लिखा कि चाइल्ड मैरिज के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित कारण विद्यमान है, ठीक है, ये मेरा आप लोग का यहां पर मेन हेडिंग रहा। ठीक है, उसके बाद मेरी एक यहां पर सब हेडिंग मैंने डाली पॉलिटिकल, और मैंने बताया कि भारत में विल पावर में बहुत सारी कमियां हैं, ठीक है, जो पॉलिटिकल विल पावर है, राजनीतिक इच्छा शक्ति चाइल्ड मैरिज को कंट्रोल करने की, वो नहीं है, इस कारण से चाइल्ड मैरिज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक मैंने यहां पर ये तर्क दिया, फिर मैं दूसरा तर्क दे रहा हूं, भारत में एजुकेशनल समस्या, ठीक है, एजुकेशनल समस्या, शैक्षिक स्तर पर क्या समस्याएं हैं, तो सब शैक्षिक स्तर पर समस्या यहां पर यह है कि लड़कियों को, ठीक है, शिक्षा प्राप्त नहीं की जा रही है, शिक्षा जो उनको दिया भी जा रहा है उससे वो जॉब नहीं अचीव कर पा रही है, तो इसका समस्या क्या हो रहा है कि घर पर एक बर्डन बन रहा है, और लोग इस कारण से क्या करके जल्दी से जल्दी शादी करने पर जोर दे रहे हैं, तो वो शादी क्या हो रही है, चाइल्ड मैरिज में होने लग जा रही है। तो अगर हम एजुकेशन में लड़कियों को शामिल कर पाते हैं और शामिल करने में सफल हो जाते हैं तो चाइल्ड मैरिज क्या होगा, अपने आप कंट्रोल होगा। अब मेरे पास कंटेंट अंदर का पहले से है, मेरे पास जो अंदर का कंटेंट एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या कारण आएंगे वो कंटेंट मैं बना रहा हूं, लेकिन मेरे पास हेडिंग बहुत क्लियर है पॉलिटिकल एजुकेशनल, ठीक है। तीसरा क्या है, पेस्टल में ऐसे, तो सोसाइटल मतलब सामाजिक कारण क्या है,
सामाजिक कारण में क्या बताओगे भाई आप बताओ कि भारत में पितृसत्तात्मक सोच जो पैट्रियार्की सोसाइटी है वो क्या कर रही है, वो लड़कियों को ज्यादा तरजीह नहीं दे रही है, इस वजह से बस लड़कियों को शादी के पर्पज समझाता है और जल्दी जल्दी यहाँ पर शादी कर दी जाती है, एक कारण यहाँ पर आप ये समझ सकते हो। तो सामाजिक कारण भी आपके सामने यहाँ पर हो गया, ठीक है। इसके अलावा पेस्टल में जो फोर्थ पॉइंट होता है वो क्या कहता है, फिर से आप लोगों का यहाँ पर टी आता है, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल कारण, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल कारण या फिर तकनीकी कारण। अब संभव है कि आपके सामने यहाँ पर तकनीकी कारण कोई अवेलेबल ना हो, ठीक है, हो सकता है तकनीकी कारण भी यहाँ पर आप क्या बताओगे, तो आप इस पॉइंट को स्किप कर सकते हो, ठीक है। मैंने 14 पॉइंट यहाँ पर स्किप कर दिया, ठीक है, मैंने फिर से चौथी हेडिंग डाली और चौथी हेडिंग में फिर से क्या होगी, पेस्टल में ई होगी। ई मतलब क्या हो गया, दो ई हो चुका, एक एजुकेशनल था, ये आप लोगों का इकोनॉमिकल या फिर आर्थिक कारण यहाँ पर क्या होगा वो बता सकते हो। तो आर्थिक कारण यहाँ पर ये कि भाई शादी भारत में एक एक बोझ की तरह समझी जाती है, और एक शादी को कराने के चक्कर में घर परिवार ने बहुत सारे ऋण ले लेते हैं, ठीक है। और इसके एक कारण यहाँ पर यह भी है कि भारत में दहेज प्रथा तमाम कानूनी प्रतिबंधों के बावजूद क्या हो रही है, एक बहुत सामाजिक स्वीकार्य रूप से देखी जा रही है। तो दहेज लेना एक दंड है, ठीक है, एक अपराध है, लेकिन आप देखो आपके घर में बैठ करके लोग दहेज की बातें करते हैं और आप लोग बहुत अच्छे से इंजॉय करते हो। कारण क्या है, कारण यह है कि ये सामाजिक स्वीकार्य चीजें हैं, तो आर्थिक बर्डन बढ़ रहा है, इस कारण से भी चाइल्ड मैरिज बहुत ज्यादा तेजी से हो रहा है, ठीक है। और सबसे अंत में आप लोगों का बनता है लीगल कारण, पेस्टल में जो एल आता है लास्ट में, लीगल मतलब विधिक, विधिक कारण क्या, तो विधिक कारण यहाँ पर यह कि जो विभिन्न धर्म है उन धर्मों में शादी की जो एजेस है वो अलग अलग है, ठीक है, कोई 14 मानता है, कोई 16 मानता है, कोई 18 मानता है, ठीक है। कई ऐसे ट्राइबल कम्युनिटीज है जहां पर चाइल्ड मैरिज बहुत स्वीकार्य चीजें हैं। अब इन सब के कारण से क्या हो रहा है कि एक लूप होल देखते हुए लोग इन चीजों का गलत फायदा उठा रहे हैं, या फिर अगर मैं कहूं तो एक एक समान शादी का कॉन्सेप्ट नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल लॉ हमारे यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म सिविल लॉ रहता तो हर धर्मों में जो पर्सनल लॉज हर धर्म के अलग अलग है उनको बंद करके पूरे भारत में शादी के लिए एक नियम और कानून लागू कर पाते, ठीक है। तो ये कुछ कारण यहाँ पर आपने देखा, और ये जो पेस्टल अप्रोच मैंने आप लोगों को बताया ये तरीका होता है अपने आंसर को लिखने का। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर फायदा क्या है, फायदा यहाँ पर ये कि आपका जो आंसर होगा ना बहुत स्ट्रक्चर्ड दिखेगा एग्जामिनर को, एग्जामिनर को दिखेगा यार कि इसने सारे डायमेंशन कवर किए, इसने पॉलिटिकल, इसने एजुकेशनल, इसने सोसाइटल, इसने टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, लीगल, सारे के सारे डायमेंशन कवर किया है, और जो कि सबसे अच्छा स्ट्रक्चर होता है। अगर आपके पास ये मेथड नहीं है आप फिर क्या करोगे, आप पहली हेडिंग डालोगे, लिखोगे भारत में पितृसत्तात्मक सोच बहुत ज्यादा, इस कारण से क्या हो रहा है कि शादी जल्दी कर दी जाती है, फिर सोचोगे दूसरा कारण क्या है, तो आप ऐसे कुछ कारण और सोचोगे और मैक्सिमम 3 से 4 कारण सोच पाओगे और आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट आपको लगेगा कि मेरे सारे पॉइंट्स हो गए। बल्कि ये स्ट्रक्चर देखो कितना शानदार तरीके से दिख रहा है, तो ऐसे स्ट्रक्चर आप लोग को अपने एग्जाम हॉल में फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो ये जो 18 से 21 साल करने की बात चले ना, इसके कई सारे पक्ष और विपक्ष के तर्क हो सकते हैं। हालांकि इसमें सबसे जो अच्छा पॉइंट है, सबसे अच्छा पॉइंट यहाँ पर यह कि विभिन्न धर्मों में जितने अलग अलग पर्सनल लॉज हैं उनको भी हटाते हुए हर धर्म में 18 साल की बात को यहाँ पर शामिल करने का बात किया जा रहा है। अगर मैं जय जेटली कमेटी की बात बताऊं तो जय जेटली कमेटी का निर्माण सिर्फ इस वजह से किया गया था कि ये जो कमेटी थी ये कमेटी इस बात पर डिस्कस कर पाए, ठीक है, कि भारत में जो एक एक प्रेग्नेंट होने की एज होती है, जो एवरेज एज होती है वो क्या होनी चाहिए, मतलब मातृत्व की आयु क्या होनी चाहिए, किस एज में अगर लड़कियां प्रेग्नेंट होंगी, किस एज में अगर बच्चों को जन्म देंगी तो वो हेल्दी होंगी, मतलब जच्चा और बच्चा दोनों हेल्दी होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट ये डिस्कस करने के लिए इस कमेटी का निर्माण किया गया था। सेकंड इसका जो मुद्दा था वो था MMR कम करना, ठीक है। MMR क्या होता है, मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट, ठीक है, मातृत्व मृत्यु दर जो होता है उसको किस प्रकार से भारत में कम किया जाए, हमारा SDG के अंतर्गत एक टारगेट ये भी है, ठीक है। तो कैसे इसको कम किया जाए इस बारे में भी डिस्कस करने के लिए इस कमेटी का निर्माण किया गया था। और थर्ड बात यहाँ पर ये था कि वुमेन्स में, महिलाओं में जो न्यूट्रिशन लेवल है, जो पोषण स्तर है, उस पोषण स्तर को कैसे इंप्रूव किया जाए और उसमें सुधार किया जाए, ठीक है, मतलब माल न्यूट्रिशन समस्याएं जो है उसको कैसे सही किया जाए, इस तीनों पॉइंट पर डिस्कस करने के लिए कमेटी का निर्माण किया गया था। तो जब आपने ये टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया तो आपने इस कमेटी के उद्देश्य को भी यहाँ पर पढ़ा। अब आप ये सोच रहे हो कि इस कमेटी ने अगर कहा है कि 18 से 21 साल कर देना चाहिए तो दो बहस छिड़ेगी। एक बहस ये कहेगा कि हाँ भाई ठीक है, मैं इस पॉइंट के पक्ष में हूँ, एक बात ये कहेगा कि मैं इस पॉइंट के विपक्ष में हूँ, और प्रश्न आपसे दोनों पर पूछ सकता है कि भाई आप इसके पक्ष और विपक्ष पर चर्चा करिए। क्योंकि आप देखो आप एक सिविल सर्वेंट बनने वाले हो, भविष्य में आप जो कानून बन रहे हैं ना आप उन कानून को बनाओगे, संभव है कि आप उन कानून को बनाने में शामिल हो। बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप नेता बन गए। अब भाई हर जो नेता लोग होते हैं उनको सजेस्ट करने के लिए एक IAS अधिकारी वहां पर होता है, समझाता है कि देखिए ये चीजें इस प्रकार से की जानी चाहिए। तो आप पॉलिसी मेकिंग का एक पार्ट हो, तो आपको ना हर चीज के पक्ष और विपक्ष दोनों चीजों पर डिस्कस करना बहुत जरूरी है।
तो यहां पर भी थोड़ा सोचो। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं भाई, ये जो पूरा टॉपिक है, ठीक है, ये जो पूरा टॉपिक है, इसके थोड़ा पक्ष के संदर्भ में बात करो। पहला जो काम यहाँ पर ये करेगा कि जनरल न्यूट्रलिटी लेकर के आएगा। अगर हम लड़कों और लड़कियों की शादी को हम लोग को बराबर करते हैं तो लैंगिक समानता सुनिश्चित होगी, जो कि सबसे अच्छी बात है और हमारे SDG का एक लक्ष्य भी है, ठीक है, हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसका एक लक्ष्य भी, तो उसको प्राप्त करने में ये जो विधेयक है, ये जो हमारा प्रस्ताव है, ये बहुत सफल साबित हो सकता है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर आपका यही हो गया। दूसरा क्या भाई, कि अभी तो शादी की उम्र हमारी है, ठीक है, जो मैं शादी की उम्र है वो 18 साल है, लेकिन अभी भी क्या हो रहा है, चाइल्ड मैरिज हो रहा है। चाइल्ड मैरिज तो 18 साल से कम पर भी हो रहा है, तो अगर हम इस उम्र को बढ़ा करके 21 साल ले जाते हैं तो संभव है कि हम लोगों को जागरूक कर पाए कि भाई तुम तो 18 से भी कम में शादी करा दे रहे थे, जबकि वास्तविक जो एज होनी चाहिए वो तो 21 साल होनी चाहिए। तो संभव है कि जो चाइल्ड मैरिज की एवरेज एज है वो धीरे धीरे भारत में बढ़ सकती है, ठीक है, और हम लोग 18 क्रॉस करते हुए 21 की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। मतलब हम लोगों को यहां पर अवेयर कर सकते हैं इस संदर्भ में इस प्रकार से। और यहां पर क्या हो सकता है भाई, कि अगर लड़कियों की शादी देरी से होगी, समझिएगा, अगर लड़कियों की शादी देरी से होगी तो संभव है कि उनको हायर स्टडीज करने का मौका मिले। आज भारत में जितनी भी लड़कियों की शादी देरी से हो रही है उसका एक अच्छा कारण यहाँ पर है कि उनको हायर स्टडीज का, उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिल रहा है। जैसे आप में से बहुत सारी ऐसी लड़कियां होंगी, ठीक है, जो कि सिविल सर्विस की तैयारी कर रही होगी और घर पर बहुत सारे प्रेशर्स होंगे शादी करने के लिए, भाई शादी कर लो, पेरेंट्स भी दबाव डाल रहे होंगे, संभव हो सकता है, ठीक है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ हायर स्टडी करने के लिए क्या कर रहे हो, शादी को टाल रहे हो। मतलब कि अगर आप हायर स्टडी करोगे तो जल्द ही आपको जॉब मिलेगी, और जॉब मिलेगी तो क्या होगी, आपकी आर्थिक निर्भरता सुनिश्चित होगी, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा में एक सबसे अच्छा कदम हो सकता है, ठीक है। और कुछ कारण यहाँ पर सोचो, कारण यहाँ पर ये भाई कि अगर हम शादी की उम्र को बढ़ा करके 21 साल कर दें तो जय जेटली कमेटी का जो सबसे पहला टॉपिक था कि भाई प्रेगनेंसी की उम्र क्या होनी चाहिए। इसे अगर समझो, अगर लड़की जो माँ होती है, ठीक है, अगर माँ 18 साल में प्रेग्नेंट हो रही है, ठीक है, तो संभव है कि उसके हेल्थ पर कुछ निगेटिव असर पड़ सकता है, ठीक है। इसी बात को डिस्कस करने के लिए कमिटी ने सुझाव दिया कि 21 साल कर देनी चाहिए। तो संभव है कि जब 18 से 21 साल शादी की उम्र कर दी जाएगी तो लड़कियों की जो प्रेग्नेंट होने की आयु है वो भी तो बढ़ जाएगी, और जब वो बढ़ जाएगी तो संभव है कि उनका जो हेल्थ होगा, जो लड़कियों का खुद का हेल्थ होगा, वो हेल्थ क्या होगा, धीरे धीरे इंप्रूव कर सकता है, ठीक है। तो ये कुछ फायदे यहाँ पर इसके संदर्भ में आप लोग देख सकते हो। इसके संदर्भ में कुछ नेगेटिव पॉइंट भी सोचो भाई, ठीक है, कुछ नेगेटिव पॉइंट, जैसे कि पहला पॉइंट क्या सोच सकते हो आप लोग, कि अगर अभी हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो प्रेजेंट टाइम में जो शादी की एवरेज एज है, ठीक है, पूरे भारत में जो शादी की जो प्रेजेंट टाइम में एवरेज एज है वो है करीब 22 साल, ठीक है, 22.5 साल में अराउंड भारत की लड़कियां शादी करती है, ये एवरेज एज है, ठीक है। तो भाई यहां पर एवरेज एज में तो सुधार हो ही रहा है, सिर्फ इस सुधार को करने के लिए हमको 18 साल से 21 साल की उम्र कर देनी चाहिए बढ़ा करके, ये कोई लॉजिक तर्क नहीं है, ठीक है। पहला तो पॉइंट आप लोगों का यहाँ पर ये रहा। दूसरा पॉइंट और समझो भाई, दूसरा पॉइंट क्या रहा था, कि 18 साल से 21 साल कर दोगे तो चाइल्ड मैरिज में हो सकता है कमी आए। अरे भैया, पहले आप ये बात भी तो समझिए कि चूंकि जब 18 साल शादी की उम्र थी और चाइल्ड मैरिज की संख्या बहुत ज्यादा हो रही थी, मतलब कि 18 साल से कम पर ही लोग शादी करा रहे थे, तो अगर हम शादी की उम्र को 21 साल कर देंगे तो अब जैसे पहले तो क्या था, पहले तो हम लोग पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर सकते थे, ठीक है, बात समझिए। जैसे मैं जब NGO में वर्क कर रहा था कॉलेज में, तो मैंने कई सारे ऐसे पेरेंट्स को रोका है, हमने बहुत सारे केसेस पर डील किया है, और हम लोग पेरेंट्स को बस एक बात कहते थे कि भाई 18 साल तक वेट कर लीजिए, 18 साल के बाद आप शादी करा दीजिएगा, ठीक है। 18 साल वेट करने का हमारा कारण एक और यहाँ पर था, एक तरीका हमारे पास और था, हम कहते थे कि 18 साल तक जो लड़की होगी वो क्लास 12 पास कर जाएगी, ठीक है, और क्लास 12 पास कर पाना क्या है कि एटलीस्ट उसको बेसिक नॉलेज जो है 12 तक का वो यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। तो जब आप 18 साल किस तरीके से विनती करके रिक्वेस्ट कर रहे हो, लोगों को जागरूक करने का प्रयास करो, तब भी चाइल्ड मैरिज हो रहा है, तो 21 साल कर दोगे तब तो पेरेंट्स बिल्कुल वेट नहीं करेंगे, और यहां पर क्या होगा, कानून का उल्लंघन बहुत तेजी से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो संभव है कि चाइल्ड मैरिज के केस में अचानक से बहुत तेजी से बूम देखने को मिल सकता है, बहुत तेजी से संख्या में वृद्धि देखने को मिल सकती है। तो भाई जो समस्या का हम लोग सॉल्यूशन लेकर के निकले थे, वो सॉल्यूशन यहां पर निकलने की बजाय और चैलेंजेस उत्पन्न कर सकता है यहां पर, ठीक है। और कुछ समझो भाई, ठीक है भाई, ये जो पूरा एक्ट है, ठीक है, जहां पर हम 18 साल से 21 साल करने की बात कर रहे हैं, यहां पर हम किसी भी प्रकार के जो अन्य कॉज होते हैं चाइल्ड मैरिज के, जैसे कि पेस्टल में आपने बहुत सारे कारण देखे होंगे, एक कारण यहाँ पर ये भी होता है कि भाई पैट्रियार्कल सोसाइटी है, हम इन सब चीजों पर ध्यान दे ही नहीं रहे, हम लोगों को जागरूक करने पर ध्यान ही नहीं दे रहे, हम बस उम्र बढ़ाने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो पहले हम लोग को इन जो अवेयरनेस है, इन कैंपेन पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। एक यहाँ पर आप विपक्ष में तर्क यहाँ पर ये दे सकते हो,
और क्या तर्क दे सकते हो भाई, तर्क दे सकते हो कि भाई मेडिकल, अगर हम मेडिकल के अकॉर्डिंग हम देखें, मतलब हम चिकित्सा के अकॉर्डिंग देखें, तो सबसे जो बेस्ट एज है ठीक है माँ बनने की, वो करीब 20 साल से 24 साल मानी जाती है, ठीक है, ऐसा यहाँ पर कुछ लोग तर्क देते हैं। तो अगर हम शादी की उम्र को 21 साल कर देंगे, तो संभव है कि एक दो साल बाद माँ बनने, तो हो सकता हो कि उस व्यक्ति, उस औरत के, उस लड़की के तबीयत पर नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ सकता है। सबसे कम जो MMR का रेशियो है ना भारत में, ठीक है, जो मातृत्व मृत्यु दर का सबसे कम रेशियो भारत में विद्यमान है, वो 20 से 24 आयु वर्ग के लोगों में देखने को मिलता है। मतलब कि 20 से 24 एज के बीच में जो भी लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं वो सही सलामत रहती है, ऐसा एक सर्वे के तहत यहाँ पर रिपोर्ट आती है। तो अगर हम एज बढ़ाएंगे तो समस्या है कि मातृत्व मृत्यु दर जो कम होने का हमारा टारगेट था वो यहाँ पर बढ़ सकता है, एक कारण यहाँ पर आप लोग ये देख रहे हो, ठीक है। और सबसे बड़ा सबसे प्रमुख कारण यहाँ पर एक, भाई मैंने आप लोगों से बोला भी कई सारे ट्राइबल कम्युनिटीज में क्या है कि वहां पर 18 साल से कम में शादी करा दी जाती है जनरली, ठीक है, चाइल्ड मैरिज वहां पर हो जाता है जो कि इलीगल एक एक्टिविटी है, लेकिन हम उसको रोक नहीं पा रहे हैं। और संभव है कि अगर हम यहाँ पर एज बढ़ा देंगे तो कानून का जो दुरुपयोग है, जो लॉ का दुरुपयोग है, वो यहाँ पर तेजी से बढ़ जाएगा। और संभव है कि जनता को जागरूक करने की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, उनको हरासमेंट वहां पर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, प्रशासन के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा उन लोगों का हरासमेंट किया सकता है ट्राइबल कम्युनिटीज का, क्योंकि पहले तो उन लोगों को 18 साल तक ले आना बहुत जरूरी है, फिर हम 21 साल तक यहाँ पर बात कर सकते हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं जो कि पक्ष और विपक्ष में दोनों आप लोग डिस्कस कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये था कि जब आप लोगों को कोई टॉपिक दिया जाएगा तो उस टॉपिक के संदर्भ में आप लोगों को जितने भी पॉइंट बन सकते हैं उन सारे पॉइंट के संदर्भ में आप लोग यहाँ पर चीजें डिस्कस करनी पड़ेंगी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, विपक्ष में लोग कुछ तरह यहाँ पर और भी दे सकते हैं, या फिर मैं कहूँ तो विपक्ष छोड़ो, आप लोग सजेशन में कुछ पॉइंट ऐड कर सकते हो कि अगर हम लोग को लैंगिक निष्पक्षता, जेंडर न्यूट्रलिटी ही सुनिश्चित करना है, तो उसका सबसे सिंपल सॉल्यूशन यहाँ पर ये भी है, ठीक है। सिंपल सॉल्यूशन क्या है भाई, सिंपल सॉल्यूशन यहाँ पर ये कि लड़कों की शादी की उम्र जो कि 21 साल है उसको कम करके 18 साल कर दिया जाए, लड़के खुश हो गए होंगे कि अरे वाह सर आप पहली बार अच्छी बात कर रहे हो, ठीक है, कि लड़कों की शादी की उम्र 21 साल से कम करके 18 साल कर दो। भाई जेंडर न्यूट्रलिटी तब भी सुनिश्चित हो जा रहा है ना, और कई सारे विश्व की कंट्रीज में अगर आप देखोगे तो 18 साल पर शादी करना लीगल माना जाता है, तो वहां पर लीगल, तो हमारे यहाँ पर भी लीगल होना चाहिए। पहली बात, कुछ तर्क ऐसे महान लोग और भी देते हैं, हालांकि वो तर्क बहुत जनरल है, ठीक है, बहुत हास्यास्पद तर्क है, लेकिन बहुत लॉजिकल तर्क है। तर्क क्या है कि भाई 18 साल की उम्र में आप प्राइम मिनिस्टर को सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपका जीवन साथी कौन होगा आप इसको यहाँ पर सेलेक्ट नहीं कर सकते हो। मतलब कुछ लॉजिक आप समझ रहे हो, ऐसे भी कुछ लॉजिक यहाँ पर दिए जाते हैं, और आप लोग चाहो तो ऐसे लॉजिक को अपने आंसर राइटिंग में प्रयोग कर सकते हो। ये कुछ सॉल्यूशन होंगे। इसके अलावा कंक्लूजन आप लोग कह सकते हो भाई कि हमको IEC का प्रयोग करना चाहिए, मतलब इंफॉर्मेशन एजुकेशन और कम्युनिकेशन का प्रयोग करते हुए इस दिशा में अवेयरनेस को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। ये आपका पूरा का पूरा आंसर का स्ट्रक्चर हो गया, जो कि आपने 15 मिनट में डिस्कस कर लिया, ठीक है, 15 मिनट हुआ कि उससे ज्यादा हो गया, करीब 20 मिनट हो गया हम लोग डिस्कस करते हुए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमने बहुत सारे डायमेंशन यहाँ पर कवर किए हुए हैं, ठीक है। आपको 15 मिनट के टाइम पीरियड में जो टॉपिक की स्टडी करनी है वो स्टडी से प्रकार से करनी है। अच्छा, इसे स्टडी करने के लिए आप अपने नोट्स का भी सहारा ले सकते हो, आप अपने करंट अफेयर्स का भी, मतलब गूगल का भी सहारा ले सकते हो, और वहां से टॉपिक को पढ़ते हुए अपने चीजों में शामिल कर सकते हो, ठीक है। ये आपका प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में आंसर होगा, ठीक है। जैसे भूदान मूवमेंट क्या है भाई, तो भूदान मूवमेंट के संदर्भ में सोचो ना क्या था कि गांधी जी का जो जो फिलॉसफी थी, जो गांधी जी की विचारधारा थी, उसको लागू करने के लिए किस प्रकार से, ठीक है, किस प्रकार से विनोबा भावे जी ने, ठीक है, 1951 में गांव-गांव जाकर के उन्होंने खुद हर जगह जा जा करके लोगों को, जिनके पास भी लैंड का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पूरे भारत में विद्यमान था ना, जमींदारों के पास बहुत ज्यादा जमीन थी, ठीक है, और आम आदमी के पास जमीन ही नहीं था, वो क्या था, भूमिहीन व्यक्ति था, तो लैंड का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पूरे भारत में किया जाए आजादी के बाद से, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारे उन्होंने भूदार मूवमेंट चलाए, और ये भूदार मूवमेंट आगे चलकर एक ग्रामदार मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, पहले ये सच था, फिर आगे बहुत सारे कानून बनाए गए। तो ये जो भूदार मूवमेंट का पूरा भूमिका रहा है, इसको आप लोग को एक बार स्टडी करना चाहिए, और 15 मिनट की स्टडी करो, फिर जब आप लोगों को प्रश्न दिया जाएगा तब उस प्रश्न की प्रॉपर यहाँ पर आंसर राइटिंग करना, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आप लोगों को एग्जाम हॉल में फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और देखो भाई, यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों को और समझाता हूँ कि सिलेबस के और पॉइंट्स का हम लोगों को कैसे प्रयोग करना है। जैसे कि अगर यहाँ पर ध्यान दोगे आप लोग, जो आप लोगों का यहाँ पर अगला टॉपिक है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा इरेज कर रहा हूँ, चीजों को थोड़ा खाली कर रहा हूँ, फिर हम लोग क्या करते हैं, चीजों को यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो, जो डे टू का आप लोगों का टॉपिक है, ठीक है, डे टू में आप लोगों को दो प्रश्न दिए गए हैं, 7th Schedule और NGOs। अब जैसे इसकी रीडिंग क्या करोगे, ये GS 02 मतलब जनरल स्टडी पेपर 2 का आप लोगों का सिलेबस है, ठीक है।
सेवन शेड्यूल आपने पढ़ा भी होगा कि आर्टिकल 246 और उसमें कौन कौन सी भूमिकाएं होती है, कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं, आपको पता भी होगा। सेवन शेड्यूल होता भी क्या है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कंकर्नलिस्ट, ठीक है, इन तीनों की मध्य में किस प्रकार का पावर बैलेंस हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए, कार्यों का प्रॉपर बंटवारा करने के लिए हमने सेवन शेड्यूल का यहाँ पर निर्माण किया। भारत में सेवन शेड्यूल को लेकर के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए गए हैं, संवैधानिक संशोधन किया गया, लेकिन कभी भी सेवन शेड्यूल पर रिव्यू हमने प्रॉपर नहीं किया। देखो रिव्यू करना जरूरी क्यों है, बात समझिएगा, लगातार चीजें चेंज हो रही है, कई नए नए टर्म्स निकल करके आ रहे हैं, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी एक नया टर्म है, अब ये स्टेट की सूची में होना चाहिए, कंकरेंट लिस्ट में होना चाहिए, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में होना चाहिए, ये चीजें हम लोग को डिसाइड करना बहुत जरूरी है। डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, क्लाइमेट चेंज का इशू हो गया, अभी कहां पर शामिल होगा, ये सारे टॉपिक हम लोग को अब एक रिव्यू करने की आवश्यकता है। और ये जो पूरा टॉपिक है ये सेवन शेड्यूल इसी कारण से न्यूज में भी रहा कि सेवन शेड्यूल पर हम लोग को आजादी के अमृत काल में एक बार रिव्यू करना चाहिए। तो आप लोग चाहो तो इस टॉपिक को एक बार रीड कर सकते हो। सेवन शेड्यूल पर बेसिक चीजें देख लेना कि कौन कौन सी चीजें कंकरेंट लिस्ट में होती है, कितनी बार यहाँ पर अमेंडमेंट किया गया है, और जो अमेंडमेंट हुए गए उनमें कौन कौन से प्रमुख अमेंडमेंट रहे हैं, ठीक है, ये एक बार आप लोग देख लो तो सेवन शेड्यूल आप लोगों का तैयार हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्रश्न और ये बन सकता है कि सेवन शेड्यूल में प्रेजेंट टाइम में क्या क्या समस्याएं हैं, तो समस्याएं यही भाई कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर कम है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर कम है, इस पावर को बैलेंस किस प्रकार से किया जाए, जो नए नए सब्जेक्ट्स निकल करके आ रहे हैं, ठीक है, उन सब्जेक्ट्स को किस किस लिस्ट में शामिल किया जाए, अवशिष्ट शक्तियां जो होती हैं हम लोगों के पास, ठीक है, जो रिमेनिंग पावर्स होते हैं वो कहां पर शामिल किया जाए, इस बारे में भी लगातार डिस्कशन करना हम लोग के लिए जरूरी है। तो ये टॉपिक यहाँ पर आप लोगों का पॉलिटिक बहुत बेसिक और बहुत स्टेटिक टॉपिक यहाँ पर आप लोगों के सामने दिया गया है। अगला टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, एनजीओ सिलेबस में अगर आप देखोगे तो एनजीओ आप लोगों को एक टॉपिक दिया गया है, ठीक है, और एनजीओ के संदर्भ में जो प्रश्न बनते हैं, प्रश्न कुछ भी बन सकता है, प्रश्न क्या बन सकता है भाई, एनजीओ क्या है, बहुत बेसिक प्रश्न, ठीक है, प्लस कि एनजीओ के भारत के और विकास में क्या भूमिका है, क्या लाभ है, ठीक है, इसका क्या प्रॉफिट है, क्या एडवांटेज मिल सकता है हम लोग को, और एनजीओ कौन कौन से चैलेंजेस को उत्पन्न कर, अगर आप न्यूज देखोगे प्रेजेंट टाइम में तो अभी रिसेंट में मतलब 2-3 साल पहले, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी संख्या में एनजीओ को बंद कर दिया था। उनका कारण यह था कि ये एनजीओ क्या कर रहे थे, फॉरेन फंडिंग ले रहे थे और इंडिया के अगेंस्ट, नेशन के अगेंस्ट में कुछ कार्रवाई कर रहे थे। इस संदर्भ में हमने क्या किया था कि हमने कई सारे एनजीओ को बंद कर दिया, तो एनजीओ को समस्याएं भी उत्पन्न कर रहे हैं, फॉरेन फंडिंग लेकर के भारत में कई सारे मूवमेंट्स ऐसे चला जा रहा है जो कि डेवलपमेंट को रोकने का कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, ये भी आपका एक टॉपिक बन सकता है। एनजीओ के लाभ भी, ऐसा कहा जाता है, ठीक है, कि जनता और सरकार इन दोनों के बीच में ब्रिज की जो भूमिका निभाता है वो होता है एनजीओ, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो इन दोनों के बीच में भूमिका को निभाता है। जैसे कि मैं बताऊं तो जब मैं एनजीओ में कार्य कर रहा था तो हम लोग क्या करते थे भाई, हम लोग कोई अपने मन से बहुत ज्यादा स्कीम्स लेकर के नहीं आते थे, हाँ हम लोग करीब 500 बच्चों को, ठीक है, फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कराते थे, ठीक है, होम ट्यूशन देते थे, होम ट्यूशन मतलब एक सेंटर था हम लोग का, वहां पर हम ट्यूशन देते, डेली 2 घंटे का ट्यूशन क्लास चलते थे, ठीक है। इसके अलावा इन सभी बच्चों का हमने एडमिशन कराया था स्कूल में, इन 500 बच्चों में से करीब 250 बच्चे ऐसे थे जिनको हमने राइट टू एजुकेशन RTE एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड कराया था और इनका फ्री में एडमिशन हर स्कूल में कराया गया था। बाकी जो 250 बच्चे उनमें से करीब 100 बच्चे ऐसे थे, ठीक है, जो कि पब्लिक स्कूल में जा रहे थे, ठीक है, जो सरकारी स्कूल थे वहां पर जाते थे, और बाकी 150 बच्चे ऐसे थे जिनका हम लोग खुद फीस पे करके उन बच्चों को एडमिशन कराते थे प्राइवेट स्कूल्स में ताकि वो लोग वहां पर पढ़ाई कर पाए। तो ये क्या था, हमने क्या भूमिका यहाँ पर निभाया, हमने भूमिका बस ये निभाया कि गवर्नमेंट की जो एक पॉलिसी थी राइट टू एजुकेशन, इस पॉलिसी को हमने जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया। गवर्नमेंट की मनरेगा की पॉलिसी जनता तक कैसे पहुंचे, गवर्नमेंट की मिड डे मील की पॉलिसी, उसका असली बेनिफिट प्राइमरी स्कूल्स में कैसे दिया जाए, इन सबको सुनिश्चित करने का काम कौन करता है, एनजीओ करती है। तो एनजीओ की भूमिका यहाँ पर ये, एक और कहावत है, ऐसा कहा जाता है कि जहां न पहुंचे सरकार वहां पहुंचे एनजीओ, मतलब कहा ना कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो जहां न पहुंचे सरकार, जहां न पहुंचे गवर्नमेंट, वहां पर एनजीओ पहुंच करके उस गैप को, ठीक है, जो गैप ना गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच का, उस गैप को भरने कार्य करती है, और ये एनजीओ की भूमिका होती है। तो इसके लाभ बहुत सारे हैं, बस ध्यान दीजिएगा। जहां पर आप लोगों को एटलीस्ट एक काम ये करना चाहिए, क्योंकि एनजीओ आप लोगों के सिलेबस में दिया गया है, तो आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एनजीओ के एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए जिनका आप लोग अपने एनसीईआरटी में प्रयोग कर सको। जैसे कि मैं कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को देता हूं। आपने प्रथम एनजीओ का नाम सुना होगा, प्रथम एनजीओ जिसकी असर नाम की एक रिपोर्ट आती है, और वो रिपोर्ट आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते भी हो, मेंस एनसीईआरटी में यूज भी करते होगे, ठीक है। अगर नहीं करते हो भैया पढ़ लो, प्रथम एनजीओ की जो असर रिपोर्ट है बहुत अच्छी रिपोर्ट है, ठीक है, एनुअल सर्वे ऑन द एजुकेशनल रिपोर्ट नाम से इसका फुल फॉर्म बनता है, और ये रिपोर्ट, ये जो पूरी संस्थान है, ये संस्थान एजुकेशन सेक्टर बहुत अच्छा कार्य कर रही है। तो अगर कभी ऐसे आप लोगों को कुछ बातें लिखने का मौका मिलता है, आप लोग प्रथम एनजीओ को कोड कर सकते हो।
रिपोर्ट को तो कोट कर ही सकते हो। इसके अलावा एनजीओ पर भी अगर प्रश्न आए तो एनजीओ में कुछ अच्छे एनजीओ के एग्जांपल नोट कर लेना, वो आप लोगों को एग्जांपल देने में वहां पर काम आएंगे, ठीक है। तो एक तो प्रथम एनजीओ हो गया। इसके अलावा देखो अक्षय पात्र एनजीओ, आपने नाम सुना होगा अक्षय पात्र का भी, जो कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत अच्छी भूमिका यहां पर निभा रहा है, ठीक है। एक अच्छा यहां पर यह भी एनजीओ हो गया आप लोगों का। इसके अलावा आपने कैलाश सत्यार्थी, ठीक है, उनका नाम तो आप सबने सुना ही होगा। तो कैलाश सत्यार्थी का भी एक एनजीओ है जो कि चाइल्ड्स के लिए कार्य करता है, ठीक है। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन नाम है उसका, ठीक है। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन यहाँ पर उसका नाम है, और ये आप लोग का एक एनजीओ जो कि बच्चों के लिए कार्य कर रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा एक संस्थान और एक क्राई नाम से, ठीक है, ये भी बहुत अच्छी संस्थान है जो कि बहुत अच्छे सेक्टर्स की तरफ कार्य यहाँ पर कर रही होती है। इसके अलावा आप नाम ले सकते हो नर्मदा बचाओ मूवमेंट, ठीक है। नर्मदा बचाओ मूवमेंट्स के लिए भी एक एनजीओ बनाया गया था जो कि अच्छा कार्य यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है उसके लिए ये संस्थान जो है कार्य कर रही है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को दिए कुछ एनजीओस के, जिनका आप लोग क्या कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग में प्रयोग कर सकते हो, केस स्टडी के तौर पर भी और एग्जांपल के तौर पर भी, ठीक है। तो मैंने आप लोग यहाँ पर एग्जांपल देने का कार्य किया। अब इसके प्रॉफिट क्या होंगे, अब मानो लाभ आपको लिखना है, लाभ आप इसी प्रकार से लिख दो भाई, ठीक है, कि मैं भाई फिर मैं कहूँगा पेस्टल अप्रोच आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। देखो पेस्टल अप्रोच कैसे अप्लाई कर सकते हो भाई, पॉलिटिकल गैप भरने का कार्य कर रहा है, ठीक है, लोगों को राजनीतिक रूप से मजबूत कर रहा है, ठीक है, लोगों को अपने जो पॉलिटिकल उनके पास पावर्स है, ठीक है, वोट देने का जो अधिकार है उस तक लोगों को अवेयर कर रहा है। वहां पे कुछ एनजीओ का नाम आप लोगों को याद हो तो इसको यहाँ पे कोट कर सकते हो। एजुकेशन सेक्टर में कौन सा ऐसा एनजीओ कार्य कर रहा है उसको आप लोग कोट करो, ठीक है। आप लोग सोसाइटल सेक्टर में कौन सा एनजीओ काम कर, चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए, चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए कौन सा एनजीओ कार्य करें, ओल्ड एज के लिए कौन सा एनजीओ कार्य करें, उनके एग्जाम्पल यहाँ पर आप लोग चाहो तो ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार से इकोनॉमिकल सेक्टर में, लीगल सेक्टर में, कि भाई लोगों को अवेयर करो, लोगों को जो जस्टिस मिलना चाहिए, ठीक है, कानूनी अधिकार उनका एक डीपीएसपी के अंतर्गत भी, फंडामेंटल राइट के अंतर्गत भी, वो लोगों तक पहुंचे, उन सब चीज़ों को सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन सी संस्थाएं कार्य कर रही होती है, वो सारे प्रॉफिट यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। ये आप लोगों का पूरा प्रॉफिट होगा जो कि यहाँ पर शामिल हो सकता है। चैलेंजेस क्या भाई, तो चैलेंज में आप लोग वही कुछ भी पॉइंट यहाँ पर कोट करते हुए बता सकते हो। भारत में एनजीओ के सामने सबसे बड़ी चैलेंजेस यहाँ पर ये है कि ये फॉरेन फंडिंग ले रहे हैं, और फॉरेन फंडिंग लेने के कारण से इनकी अकाउंटिंग सुनिश्चित नहीं हो पा रही। तो हमारे पास जितने भी एनजीओ हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, ठीक है, गृह मंत्रालय ने बड़ा अच्छा कार्य किया एक एनजीओ दर्पण नाम से, ठीक है, एक वन स्टॉप सॉल्यूशन खोजा है, मतलब एनजीओ दर्पण नाम से एक आपका एक वेबसाइट, एक पेज है जहाँ पर सारे एनजीओ को अपने आप को रजिस्टर करना जरूरी है, और रजिस्टर्ड करने के 85 एनजीओ जो भी अकाउंटिंग कर रही है। देखो बात समझना, आपने एनजीओ खोली, आप ये कहो कि मैं समाज सेवा कर रहा हूँ तो मेरे पास पूरी छूट ही संभव नहीं है। आप अगर समाज सेवा भी करो तो आप समाज से अगर एक रुपये भी कहीं से ले रहे हो, उस एक रुपये का आपने कहाँ कहाँ पर प्रयोग किया, इसका आप लोगों को प्रॉपर यहाँ पर प्रूफ देना पड़ता है, ठीक है। तो एनजीओ की भूमिका यहाँ पर ये है। तो जो चैलेंजेस होंगे उन चैलेंजेस को कोट करते हुए आप लोग पूरे टॉपिक यहाँ पर रीडिंग कर सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग अपने आंसर राइटिंग यहाँ पर करनी होगी। कुछ टॉपिक और देखो भाई, कह रहा कि यूनिवर्सल रिलीजन पेपर फोर में सार्वभौम धर्म की बात कर रहा है, जो कि अगर आप ध्यान दोगे तो यूपीपीसीएस में, ठीक है, 2019 में एग्जैक्टली यही प्रश्न पूछा गया था, और हमने चूंकि पीवाई को कोई भी हमने टच करते हैं ताकि आप लोगों की पीवाई की प्रैक्टिस होती रहे, तो ये टॉपिक वहीं से दिया गया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर समझना, पेपर फाइव और पेपर सिक्स जो कि इस बार नया ऐड किया गया है, उसके लिए आप लोगों को अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। अभी तक क्या था, पेपर वन टू थ्री में शामिल कर दिया गया था चीज़ों को, तो वहाँ पर आप लोग जनरलाइज करके चीज़ों को लिख सकते थे, ठीक है। अब चूंकि पेपर फाइव और पेपर सिक्स को यूपी के लिए अलग से किया गया है, तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देने की आवश्यकता है। ध्यान कैसे देना पड़ेगा भाई, ध्यान देखो, एक बार समझो, मैंने आप लोगों से कहा है कि आप लोगों को ना मैप बनाना आना चाहिए, ठीक है। जब आप इंडिया का मैप बनाते हो तो आपको इंडिया का मैप 10 सेकंड में बनाना आना चाहिए, ठीक है। जैसे भाई मैं आपको अगर मैप बना करके दिखाऊं इंडिया का, ठीक है, तो आपको 10 सेकंड से ज़्यादा का समय यहाँ पर बिल्कुल नहीं लेना है मैप बनाने में, ये है, ठीक है। आपको सर ये इंडिया बना कि क्या बनाया आपने, इंडिया दिखना चाहिए, बात समझो। आपके पास मैप बनाते समय आप बिल्कुल छूट है, आप वो हुसैन आर्टिस्ट नहीं हो कि आप प्रॉपर एकदम इंडिया की मैप को बहुत अच्छे तरीके से बनाओगे। आप एक नॉर्मल व्यक्ति हो, आपको 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है और आपको मैप बनाना है, तो आपके सामने जैसा मैप बन सके वैसा मैप बना दो और अपनी चीज़ों को यहाँ पर बता सकते हो कि मतलब ठीक है ये वाला लोकेशन है जिसको हम लोग अपने आंसर राइटिंग में दिखाना, तो आप यहाँ पर मार्क करते हुए दिखा सकते हो। मैप बनाना सीखो, पेपर फाइव और पेपर सिक्स में आपको यूपी का मैप बनाना सीखना पड़ेगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ठीक है। जैसे कि अब बोक्सर ट्राइब पे मानो प्रश्न है, तो बोक्सर ट्राइब यूपी के किस क्षेत्र में पाई जाती है, आपको मैप बना के वो चीज़ दिखानी चाहिए। 1857 की जो रिवॉल्यूशन, जो क्रांति हुई थी, वो क्रांति यूपी के किन किन जिलों में से फैली थी, आपको मैप पर सारी चीज़ें दिखानी चाहिए, ठीक है, कि झांसी में ऐसे हुआ, कानपुर में ऐसे हुआ, लखनऊ में ऐसे हुआ, यहाँ पर ये व्यक्ति शामिल था, यहाँ पर ये व्यक्ति शामिल था, गोरखपुर में ये व्यक्ति शामिल था, ठीक है। आपको सारी चीज़ों को मैप पर दिखाना पड़ेगा, और इसलिए आपको यूपी का मैप यहाँ पर बनाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखिए गंगेटिक प्लेन का कह रहा है, गंगेटिक प्लेन में किस प्रकार के अधिवास
पैटर्न होते हैं, ठीक है, इस पर प्रश्न आ सकता है कि सेटलमेंट्स के पैटर्न पर डिस्कस करिए गंगेटिक प्लेन के अंतर्गत। तो गंगेटिक प्लेन में आपको गंगेटिक प्लेन हल्का सा बनाते हुए, ठीक है, गंगा नदी फ्लो दिखाते हुए, अगल बगल कौन कौन से प्रमुख शहर है उनको दिखाते हुए चीजों को अपने एनसीईआरटी में दिखाना पड़ेगा। इसलिए यूपी का मैं बनाना स्टार्ट करो आप लोग इंडिया के साथ साथ, और 10 सेकंड का समय लो, ठीक है, 10 सेकंड का मैक्सिमम समय लेना आप लोगों को, और ऐसे प्रश्नों को यहाँ पर आप लोग अच्छे से डील कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को कुछ टॉपिक रहे, जैसे अब मैं आप लोगों को शॉर्ट पॉइंट बताता हूँ जो कि एनसीईआरटी आप लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। कभी भी एनसीईआरटी अगर आप नए तौर पर एनसीईआरटी स्टार्ट करो तो आप लोगों एक काम ये करना, ये जो आप लोग सामने एक A4 शीट देख रहे होगी प्रॉपर, ठीक है, मैं थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ प्रॉपर दिखे, ठीक है। देखो A4 शीट में दो साइड में दो मार्जिन दिया गया, ठीक है, ध्यान देना, ये जो मार्जिन आप लोगों को दिया गया ना, ये मार्जिन आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, और यहीं पर आप लोगों क्या करना है, चीजों को कंटेंट के तौर पर लिखना है। ये जो पूरा एरिया ये पूरा आप लोगों को खाली छोड़ना ही चाहिए, क्योंकि आप लोगों को प्रैक्टिस में डालना पड़ेगा, फाइनल एग्जाम में भी ये पेज आप लोगों को खाली छोड़ना रहता है, ठीक है। तो एक आप लोगों को आइडिया लगता है ना कि एग्जाम में किस प्रकार से आप लोगों को चीजें लिखनी है, इसके लिए A4 शीट ये यूपीएससी हिंदी का जो पेज आंसर राइटिंग है चाहता आप लोग उसको एक साथ 100-150-200 पेज प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। एक पेज प्रिंट कराने का 20-25 पैसा लगता होगा मेरे हिसाब से, ठीक है, जो भी लगता होगा, क्योंकि पेज में कंटेंट बहुत कम है, तो 50 पैसा आ रहा है तो बिल्कुल नहीं लेगा। आप लोग एक साथ 200-250 पेज प्रिंट करा लो और उस पर ही आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, सबसे सिंपल बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये काम तो आप लोग करना स्टार्ट कर दो। प्लस हमने मैं अपना डिस्कस किया, अच्छा, आंसर राइटिंग में कुछ और बेसिक पॉइंट्स होते हैं जिसको आप लोगों को समझनी चाहिए, जैसे कि एक होता है रिग प्रिंसिपल, ठीक है, एक आईएएस अधिकारी है, ठीक है, नाम एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उन्होंने एक बड़ा सा प्रिंसिपल दिया था रिग प्रिंसिपल का, ठीक है। रिग प्रिंसिपल क्या कहता है भाई, कहता है कि आपका जो भी आंसर हो, ठीक है, उस पूरे आंसर में रिपीटिशन ना हो, ठीक है। रिग मतलब ये तीन चीजें नहीं करनी है आपको, रिपीटिशन नहीं करना है, इरेलेवेंट इंफॉर्मेशन एग्जाम्पल्स केस स्टडी ग्राफ फिगर डायग्राम मैप इनका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। ये नहीं कि सर ने कहा था कि यूपी का मैप बनाना सीख लो और प्रश्न पूछा हुआ है कि यूपी में फॉरेस्ट पॉलिसी, ठीक है, ना दो प्रश्न है कि फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ उत्तर प्रदेश, तो मैंने फॉरेस्ट पॉलिसी बताया और बगल में यूपी का मैप बना करके यूपी को बहुत अच्छे से दिखा दिया, ये काम नहीं करना है। प्रश्न के रिलेवेंट जहां पर आवश्यक हो वहीं पर मैप और ग्राफ का प्रयोग करना है आप लोगों को, ठीक है। तो पहला काम तो रिपीटिशन बिल्कुल नहीं करना है, दूसरा इरेलेवेंट चीजों का प्रयोग नहीं करना, तीसरा अपने आंसर को बहुत जनरलाइज नहीं करना है। आप सिविल सर्विस की तैयारी करो, आप देश में पॉलिसी मेकिंग में शामिल होने वालों को समय में, ठीक है, पॉलिसी मेकिंग में, पॉलिसी अप्लाइंग में, ठीक है, पॉलिसी को लागू करने में शामिल होने वाले, तो आप अपना आंसर जनरलाइज नहीं कर सकते हो, आपको सामान्यीकरण से बचना पड़ेगा और चीजों में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन करंट अफेयर्स लॉजिकल पॉइंट्स इन सब चीजों को शामिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तीन पॉइंट है, ये तीन आप लोगों को अपने आंसर राइटिंग में नहीं करने, ठीक है, डोंट्स के अंतर्गत ये तीनों बात शामिल होगी, इस बात को आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। आंसर राइटिंग यहाँ से स्टार्ट करो, बाकी देखो आंसर राइटिंग के लिए सीजन बैच आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ये जो पूरी PDF जो पूरे टॉपिक्स है मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, जैसे यहाँ पर देखो टॉपिक क्या क्या दिया गया, एक है बिम्स्टेक का टॉपिक, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन क्या भाई, अगर आप ध्यान दो तो सिलेबस में ना आप लोगों को ग्लोबलाइजेशन एक्जेक्टली टर्म दिया है, ग्लोबलाइजेशन का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा हुआ है, मैं आप लोगों को टर्म दिखा देता हूं, मैं सिलेबस ही दिखा देता हूं, ठीक है। देखो सिलेबस क्या, भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, एक्जेक्टली यही टॉपिक है ना, और यही यहां पर हमने आप लोगों को आंसर राइटिंग करने के लिए दिया हुआ है। तो आपको ना सिलेबस भी साथ साथ में ओपन करके रखना पड़ेगा, अपने अपने बगल में सिलेबस रखो और देखो कि सिलेबस में वो टॉपिक कहां से है, बिम्स्टेक, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं अंतरराष्ट्रीय संगठन एक टॉपिक आप लोगों को सिलेबस अंतर्गत दिया गया, ठीक है, कोऑपरेटिव संस्थाएं सहकारी समितियां इसको एक बार आप लोग देखो, ठीक है। साइंस में पेपर तीन में आप लोगों का था इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट, ठीक है, भारत का जो रक्षा निर्यात है वो किस प्रकार से बढ़ रहा है, किस प्रकार से कम रहा है, ये प्रश्न यहाँ पर दिया गया, ठीक है। स्पेस डेब्रिज अंतरिक्ष मलबा की बात यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। फिर केस स्टडी दो आप लोगों को दिया जा रहा है आंसर राइटिंग करने के लिए। फिर देखो पेपर फाइव और पेपर सिक्स के लिए चार टॉपिक आप लोगों को फिर से दिया गया, ठीक है, स्मार्ट विलेज प्रोग्राम, काशी तमिल संगम, जो कि काशी चूंकि यूपी में पढ़ता था आप लोगों का यूपी स्पेशल टॉपिक यहाँ पर आता है, ठीक है। फिर यूपी का बजट पर एक प्रश्न यहाँ पर दिया गया, ऐसे देखो तो यहाँ पर आप लोग सामने प्रॉपर 48 टॉपिक यहाँ पर आप लोग दिए गए, 48 टॉपिक्स हैं जो कि आप लोग अपने आंसर में प्रयोग करने पड़ेंगे। जैसे आप लोग कुछ टॉपिक यहाँ पर और दिखाता हूँ जो कि पेपर फोर में बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉबिटी का टॉपिक एक दिया गया है। अब देखो अगर ध्यान दोगे ना तो GS पेपर फोर के लिए, हमने पेपर फोर जो डिस्कस नहीं किया था इसलिए आपको बता रहा हूँ, पेपर फोर में जितने भी ऐसे टर्म्स हैं, ठीक है, जिनको हम वैल्यूज कहते हैं, मूल्य कहते हैं हम लोग, वो मूल्य आप लोगों के सिलेबस में दिए गए, ठीक है, कि एक एस्पिरेंट्स के अंतर्गत ये, एक एस्पिरेंट नहीं, एक सिविल सर्वेंट के अंतर्गत ये मूल्य होने चाहिए, जैसे कि प्रॉबिटी यहाँ पर दिया गया, ठीक है। अगर आप ध्यान दो तो प्रॉबिटी से मिलते जुलते दो टर्म यहाँ पर और होते हैं, एक होता है आप लोगों का हॉनेस्टी और एक होता है आप लोगों का इंटीग्रिटी, ठीक है, इंटीग्रिटी। अब यार अगर कोई सामान्य व्यक्ति रहेगा ना तो प्रॉबिटी, हॉनेस्टी और इंटीग्रिटी इन तीनों को सेम मान लेगा,
कहेगा सर तीनों तो सेम होते हैं, क्या करना है। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे ना तो प्रोबेबिलिटी, ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी में डिफरेंस है। ऑनेस्टी व्यक्तिगत लेवल पर होता है, अगर आप देखोगे तो सिलेबस में, मैं आप लोगों को सिलेबस फिर से दिखाता हूं, यहां पर जो प्रोबेबिलिटी का यहां पर टर्म दिया गया है वो प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस की बात करता है, ठीक है। अच्छा सिलेबस आप लोगों को याद होना चाहिए, देखो मैं मुझे सिलेबस याद है इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं यहां पर, ठीक है। देखो आप लोग दिखाते हैं यहां पर कहां पर है, शासन व्यवस्था में ईमानदारी, ऑनेस्टी और ईमानदारी दोनों सेम होता है, लेकिन प्रॉबिटी यहाँ पर जो इंग्लिश टर्म में प्रयोग किया गया है वो प्रॉबिटी इन गवर्नेंस। तो जो प्रॉबिटी होता है ना वो एक संस्था के संदर्भ में, मतलब कि ऑनेस्टी जो टर्म होता है वो व्यक्तिगत संदर्भ में होता है, ठीक है। व्यक्तिगत कैपेसिटी के अंतर्गत व्यक्ति ईमानदार हो सकता है, लेकिन प्रॉबिटी संस्थान के संदर्भ में होती है। जैसे मैं व्यक्तिगत तौर पर ऑनेस्ट हूँ, सही बात है, लेकिन अगर मैं संस्थान की बात, तो संस्थान प्रॉबिटी के मूल्य को अपने अंतर्गत शामिल करती है। तो ये दो अलग अलग चीजें होती है, ठीक है। तो प्रॉबिटी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ऐसे टर्म्स को डिफाइन करो, ऐसे टर्म के डिफिनेशन को आप लोग देखिए, ठीक है। मैं यहाँ पर फेस को ऑफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, चूंकि लाइट चली गई है। तो ऐसे टर्म्स के डिफिनेशन को आप लोग एक बार देखिए, आंसर राइटिंग यहाँ से सीखना स्टार्ट करिए और प्रॉपर प्रैक्टिस करिए इन सब चीजों की, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। एक एग्जाम्पल में, एक पॉइंट मैं आप लोगों को और बताऊंगा, सिलेबस में जितने भी ऐसे टर्म्स दिए गए उन टर्म्स की 25-25 शब्दों में, ठीक है, 25 शब्दों में प्रॉपर डेफिनेशन आप लोग नोट करके याद करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर 2024 में देने वाले हो तो ऐसे जितने भी टर्म्स हैं, आप लोग कुछ टर्म्स और भी दिएगा सिलेबस में आप लोगों को, ठीक है, एम्पैथी, कंपेशन, सहानुभूति, समानुभूति, करुणा, ठीक है, इन टर्म्स की डेफिनेशन आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत काम आने वाला है और एग्जाम में आप लोगों को बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आप लोग फॉलो करिएगा पेपर फोन के लिए, सभी टर्म्स के संदर्भ में कुछ कुछ एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल अपने व्यक्तिगत जीवन से, एक एग्जाम्पल किसी बहुत बड़े पर्सन जैसे कि कोई महापुरुष हो गया, कोई सिविल सर्वेंट हो गया, कोई अधिकारी हो गया, उनके संदर्भ में आप लोगों से मूल्यों के एग्जाम्पल्स को देख लेना, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का पूरा क्लास, आज की मेरा डिस्कशन था, ठीक है। ये पीडीएफ में आप लोगों को शेयर भी कर दूँ, यहाँ पर 48 टॉपिक दिया गया। अगर आप सीजन बैच नहीं भी ज्वाइन करते हो, ठीक है, आप इन 48 टॉपिक की रीडिंग एक महीने में कर लेना, ठीक है, और करके मुझे इन्फॉर्म करना कि सर ये 48 टॉपिक किस प्रकार से आपको हेल्प कर रहे हैं। मैं आपको 48 टॉपिक का टारगेट दे रहा हूँ, मेरे इस पूरे से पीडीएफ में 48 टॉपिक आप लोगों यहाँ पर दिए गए। ये 48 टॉपिक का जो आप लोगों का टारगेट है ना दोस्तों, ये 48 टॉपिक आप लोगों को पूरे करने पता है कितने दिनों में, एक महीने में, ठीक है। तो मतलब आपके सामने बहुत अच्छा खासा समय इस 30 दिन में, आप अगर 48 टॉपिक तैयार कर लेते हो, आप मेंस के लिए अपना बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करोगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल निश्चिंत रहना, आपकी आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से इंप्रूव करने वाली है। तो ये था हम लोग का आज की क्लास, ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। आंसर राइटिंग को लेकर के आपकी कोई भी और प्रश्न, ठीक है, आप एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे, मैं उन सॉल्यूशंस पर डिस्कस करता चलूंगा, ठीक है। जो भी आपकी समस्याएं होंगी उन सॉल्यूशन पर हम डिस्कस कर लेंगे, आपकी समस्याओं को दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो सभी को जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।